हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर एक अच्छा सा एक आउटडोर फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप 7.0 यूज़ करने वाला हूँ ये वाला फोटो एडिटिंग के लिए। तो सिंपली आपको भी फोटोशॉप 7.0 यूज़ कर सकते हो ये वाला फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो सिंपल सा स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आप भी सेम टू सेम पोज पे आप फोटोशूट कर लेना। और करने के बाद जो जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहना, और कर लेने के बाद आप आसानी से इस तरह एडिटिंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आगे रहने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मेन फोटो एंड बैकग्राउंड दोनों को आपको ओपन कर लेना है फोटोशॉप 7.0 के अंदर। मैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर मैं दोनों को ओपन कर लिया। बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से जाके आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेने के बाद देख सकते हो मेन फोटो मेरा कुछ सेम टू सेम इस तरह से पोज पे है। आप भी सेम टू सेम इस तरह से पोज पे फोटो शूट कर सकते हो। तो कर लेने के बाद आपको करना क्या है, अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर एक काम है। सबसे पहले ये जो मेन फोटो है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। तो चलिए मैं डुप्लीकेट एक लेयर बना लेता हूँ मेन फोटो के ऊपर, और बना लेने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉलीगोनल लासो टूल। और पॉलीगोनल लासो टूल को यूज करते हुए ओवरऑल फोटो का इस तरह से बैकग्राउंड मैं चलिए रिमूव कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड रिमूव कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे सारे कुछ स्टेप्स एडजस्टमेंट वगैरह किया जाता है, सारे कुछ स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कटिंग दिखा देता हूँ। देख सकते हो मैंने ओवरऑल बैकग्राउंड को तो सिलेक्ट कर लिया। अभी ये वाला लेयर ऊपर वाला लेयर सिलेक्टेड है, मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड के ऊपर तो डिलीट हो गया। देखिए बैकग्राउंड ये वाला बंद करूंगा तो देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ से आसानी से डिलीट हो चुकी है। लेकिन एक चीज आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे छोड़ दिया था तो कंट्रोल डी दबाऊंगा तो डिसलेक्ट होगा। अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकग्राउंड इरेजर टूल, और यहाँ पे सेटिंग्स तो आपको पता ही है, डिस्कॉन्टिन्यूअस टॉलरेंस 26 और सैम्पलिंग वॉन्स है। और इसके बाद अब मैं यहाँ से धीरे धीरे करके सिंगल कलर में यहाँ पे चूज करके इस तरह से मैं ओवरऑल इसका जो बैकग्राउंड जो बाकी रह गया था जो पार्ट मैं यहाँ से इस तरह से रिमूव कर दूंगा। आप देख ही सकते हो मेरा रिमूव कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस साइड पे थोड़ी सी पार्ट यहाँ पे बाकी रह गया था तो सिंपली इसको भी मैं चलिए रिमूव कर लेता हूँ। धीरे धीरे करके आप कलर चूज करके इस तरह से रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे यही स्टेप से मैं पूरा चलिए रिमूव कर लेता हूँ, और कर लेने के बाद आपको दिखाऊंगा। अभी देख ही सकते हो यहाँ पे इतना सारा तो यहाँ पे बाकी का हिस्सा मैं यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ। आप पॉलीगोनल लासो टूल से भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो ये वाला पार्ट जो बाकी नीचे वाला हिस्सा जो रह गया था। तो यहाँ पे रिमूव वगैरह कर देने के बाद आपको इसको ले जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के ऊपर इसको एडजस्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए मेरा काम कंप्लीट हो चुकी है। अभी मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा और छोटा करूंगा फोटो को, और ये वाला फोटो को मेरे बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फोटो को रिसाइजेस करना है, और शिफ्ट दबाते हुए ये वाला फोटो को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं यहाँ पे इतना तक बड़ा कर लिया, डबल क्लिक किया तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब देख ही सकते हो फोटो किस तरह का लग रहा है। तो इतना होने के बाद अभी करना क्या है, ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर एक ब्लैंक सा लेयर लेना है। तो ब्लैंक लेयर मैंने बना लिया ये वाला आइकन से। तो ब्लैंक लेयर लेने के बाद आपको ब्रश टूल सिलेक्ट करना है, फॉरग्राउंड कलर आप ब्लैक रख लीजिए। तो ब्लैक रख लेने के बाद आप फोटो को थोड़ी सी जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद ब्रश का साइज थोड़ी सी मेरे जैसा इस तरह से रख दीजिए, और रख देने के बाद आप इस तरह से नीचे वाला हिस्सा थोड़ी सी करके इस तरह से आप ब्रश करते रहिए, लिटिल बिट इस तरह से ब्रश करते रहिए। तो ओवरऑल फोटो आपका इस तरह ब्लैक होता जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए इस तरह से ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको फिल्टर पे जाना है, ब्लार पे जाना है, यहाँ से गॉसन ब्लार एक लगाना है। तो गॉसन ब्लार का अमाउंट 25 के आसपास आपको डालना है और ओके कर देना है। तो कर देने के बाद नीचे वाला से एक जमीन के ऊपर एक थोड़ी सी शैडो आ जाएगा, इसका आपको ओपेसिटी आप 75 के आसपास कर सकते हो, नियर अबाउट आप 75-80 के आसपास, मेरा 90 के आसपास मैच कर रहा है। आप इस तरह से दे सकते हो। अभी इतना देने के बाद अभी ब्रश टूल को अगेन सिलेक्ट करना है, फॉरग्राउंड कलर आपको अगेन ब्लैक रखना है। ब्रश का साइज मैंने यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लिया, यहाँ पे मैं एक काम करूंगा ओपेसिटी को नियर अबाउट 30 के आसपास मैं रखूंगा, और ब्रश का साइज लिटिल बिट बढ़ा करके नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से ब्रश कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा किस तरह से अब यहाँ पे शैडोज वगैरह दिया जाता है। तो शैडोज यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया। अभी इतना होने के बाद अभी करना क्या है, आप बैकग्राउंड के ऊपर एक काम कर सकते हो, बैकग्राउंड के ऊपर लिटिल बिट आप यहाँ पे सैचुरेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं ओवरऑल फोटो के ऊपर ही काम करूंगा। तो मेन फोटो देख सकते हो किस तरह से मैच हुआ है। अभी अगर ओवरऑल फोटो के ऊपर मैं यहाँ पे हुई सैचुरेशन वगैरह ले लूंगा,
हुई सेचुरेशन को मैं लिटिल बिट इंक्रीज करता रहूँगा जितना तक मेरे को सैचुरेटेड कलर यहाँ पे चाहिए। नियर अबाउट मैं यहाँ पे रखूँगा 50 के आसपास, चले 50 के आसपास रख देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देख ही सकते हो किस तरह के आया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेरा यहाँ पे सैचुरेटेड हो चुकी है ये, तो नियर अबाउट मैं यहाँ पे 30 के आसपास रखा, ओके किया। ये मास्क के ऊपर क्लिक करना है और फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है। अगेन ब्रश टूल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो ओपेसिटी मैंने घटा दिया था उसको फुल कर लीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे आपका रेडी स्टोन आ चुकी थी स्किन वगैरह के ऊपर वो आप एक बार रिमूव कर लेना, क्योंकि रेडी स्टोन आपका स्किन के ऊपर रहेगा तो परफेक्ट एडिट नहीं हो पाएगा। तो चले धीरे धीरे करके, मैंने तो यहाँ से देख सकते हो मैं यहाँ पे रेडी स्टोन तो रिमूव कर चुका हूँ, अभी पूरा सैचुरेटेड लग रहा है बैकग्राउंड वगैरह। अभी मैं ओवरऑल फोटो के ऊपर एक सिलेक्टिव कलर वाला ले लूंगा, तो चलिए देख सकते हो सिलेक्टिव कलर वाला मैंने लिया। अभी रेडनेस को मैं लिटिल बिट एड कर इस तरह से -100 कर लूंगा, यहाँ से योलो पे जाऊंगा योलो को -100 कर लूंगा, अगेन ग्रीन पे जाऊंगा ग्रीन को, यहाँ पे नियर अबाउट मैं ग्रीन तो यहाँ पे नहीं है, मैं कैन पे जाऊंगा कैन को फुल्ली 100 इस तरह से कर लूंगा, और यहाँ से ब्लू पे जाऊंगा ब्लू का 100 को कैन को भी फुल्ली इस तरह से 100 कर लूंगा। अभी आपका मैजेंटस वगैरह आपको सारे कुछ कैन पे जाइए, मैजेंटस वगैरह यहाँ पे देख देख के चेंजेस कर लेना, मैं रिकमेंड करूँगा मैजेंटा को 0 ही रखिए, और यहाँ पे जो योलोनेस है ना इसको -10 के आसपास आपको कर लेना है, और करने के बाद आप ओके कर लीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे भी स्किन के ऊपर थोड़ी सी रेडी स्टोन आ चुकी है, तो इसको भी आपको रिमूव करना है, तो इसलिए अगेन मास्क को सिलेक्ट कीजिए, फोरग्राउंड कलर ब्लैक, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, और ओपेसिटी जो फ्लो है दोनों को आप 100 ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे ओपेसिटी फ्लो का काम फुल्ली है, क्योंकि मैं पूरा मैं यहाँ पे रेडी स्टोन को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से पूरा देख सकते हो स्किन के ऊपर से रेडी स्टोन रिमूव कर चुका हूँ, बैकग्राउंड के साथ साथ मेन फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मैच हो चुकी है। अभी इतना होने के बाद अभी काम क्या है, अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर और भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे बाकी है, वो क्या है, स्किन का रिटचिंग वगैरह आप कर सकते हो। जैसे कि स्किन का रिटचिंग करने के लिए आपको ये सारे, चलिए सारे लेयर को एक काम कर लेता हूँ, फ्लैटन कर लेता हूँ। सबसे पहले लेयर पे गया, फ्लैटन कर लिया, पूरा इमेज फ्लैटन कर लिया। अभी इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा, कंट्रोल जे दबाते हुए कर सकते हो या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले सकते हो, और लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर, यहाँ पे ब्राइटनेस मैं 10 के आसपास इंक्रीज कर दूंगा और ओके करूंगा। अब कंट्रोल ई दबाते हुए मास्क डाउन करूंगा, तो ये लेयर के ऊपर इस तरह से ब्राइटनेस ऐड हो जाएगा। अभी फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लार पे जाऊंगा, यहाँ से गॉसन ब्लार लूंगा, और गॉसन ब्लार का अमाउंट नियर अबाउट 5 के आसपास डाल के देखिए पहले, अगर ज़्यादा हो रही है तो 3 के आसपास डालना और ओके करना। अभी ये जो लेयर है इसके ऊपर आपको मास्क लेना है, और मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लेना है। अगेन मैं आपको ब्रश टूल को ही सिलेक्ट करके रखना है, फ्लो ओपेसिटी 100 ही रहे, लेकिन यहाँ पे मास्क का कलर ब्लैक है तो मेरे को फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना है। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रश का साइज आप अपने मुताबिक कर लेना, मैं छोटा करता हूँ थोड़ी सी, देख ही सकते हो। अभी स्किन वगैरह जहाँ जहाँ पे है स्किन के ऊपर थोड़ी सी इस तरह से धीरे धीरे करके ब्रश करता रहूंगा, तो ब्रश करने के बाद देख सकते हो स्किन कितना स्मूथ हो रही है, तो आपका भी स्किन इस तरह से स्मूथ हो जाएगा अगर आप इस तरह से मेरे सेटिंग्स फॉलो करते हुए सारे कुछ एडिट करोगे, तो देख ही सकते हो। अभी धीरे धीरे करके मैं ओवरऑल फोटो का इस तरह ब्रश का साइजेस वगैरह इस तरह डिक्रीज करके मैं ओवरऑल फोटो के ऊपर से इस तरह से ब्रश वगैरह कर दूंगा, तो देख ही सकते हो मैं धीरे धीरे करके ब्रश वगैरह कर रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे टाइम देके इस तरह से ब्रश कर लेना। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और ओवरऑल पूरा जो फोटो है उसका इस तरह से स्किन के ऊपर ब्रश वगैरह कर लूंगा, और कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखाऊंगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे स्किन का रिटचिंग वगैरह सारे कुछ तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी कंप्लीट कर देने के बाद आपको करना क्या है, अभी एक काम कर सकते हो, इसका स्किन के ऊपर थोड़ी सी व्हाइटनेस टोन लाने के लिए आप एक सॉलिड कलर ले सकते हो, सॉलिड कलर आप व्हाइट होगा और ओके करना। अभी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है कर लीजिएगा सॉफ्ट लाइट। अभी ये मास्क को सिलेक्ट करना, कंट्रोल आई दबाते हुए मास्क को इन्वर्ट कर लेना, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना, और फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रहना चाहिए। अभी ब्रश का साइज थोड़ी सी बड़ा कर लेना, लिटिल बिट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, और धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पे आपका स्किन वगैरह है वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रश कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से ब्रश कर रहा हूँ आप देख ही सकते हो, धीरे धीरे करके आप भी इस तरह से इसके स्किन के ऊपर ब्रश कर लेना, अपना जो फोटो होगा उस फोटो के ऊपर आप इस तरह से धीरे धीरे करके ब्रश कर लेना। तो चलिए देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल स्किन इस तरह से ब्रश कर रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे करके ब्रश करना। तो ब्रश कर लेने के बाद आपको करना क्या है, तो ब्रश कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे इसका सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा, जो ब्रश का साइज यहाँ पे दिया हुआ है उसका डिटेल्स का सेटिंग्स आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे किस तरह से यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा व्हाइट लग रहा है, तो आपको यहाँ पे 50 के आसपास रख के देख लेना है यहाँ पे किस तरह से ग्लो आ रही है। तो मैं यहाँ पे 50 के आसपास रखा और यहाँ पे देख सकते हो लाइटनेस किस तरह का आ रही है, परफेक्टली यहाँ पे मैच हो चुकी है। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर और भी थोड़ी सी काम है, वो क्या है, इसके बाद आपको कलर बैलेंस वाले एक लेयर लेना है, यहाँ पे हाइलाइट्स पे जाना है, हाइलाइट्स का ब्लू नियर अबाउट मैं 25 के आसपास रखूंगा।
यहाँ से मैजेंटा एंड ग्रीन जो मिलेगा मैं ग्रीन के साइड पे प्लस 10 के आसपास इंक्रीज करूंगा, और यहाँ से क्यान के साइड पे मैं यहाँ पे माइनस 10 के आसपास कर दूंगा। अभी मिड टोन्स पे जाऊंगा, मिड टोन्स का ब्लू को प्लस 5 के आसपास करूंगा, मैजेंटा के साइड पे यहाँ पे माइनस 5 करना है, और रेड के साइड पे उधर यहाँ पे पहली जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लस 10 के आसपास कर लेना है। करने के बाद ओके किया। अभी ओवरऑल फोटो देखूंगा, देख ही सकते हो कितना परफेक्ट यहाँ पे लग रही है। आपको भी इस तरह से परफेक्टली एक एडिटिंग आउटपुट भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका फोटो के ऊपर। तो देख ही सकते हो कितना आसानी से यहाँ पे परफेक्टली मैच हो चुकी है। अगर आपको ओवरऑल फोटो दोनों को आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, इसका बैकग्राउंड को ऑन करता हूँ तो दोनों को दो साइड पे दिखाऊं तो आपको बैकग्राउंड चेंज के साथ साथ कितना परफेक्ट यहाँ पे लुक दे रहा है सारे कुछ तो आपको दिख रहा है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर था। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चले मिलते हैं नए कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ, नए कोई एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।